bangun lu dah. तो ये क्या बन रहा है? बैटर, ये खीरा है। खीरा है ये किस कौन से दाल का है? ये दो तीन दाल आती है। ओके, दो तीन दाल मिक्स आती है। मैं तुम्ही फक्त तो दोस्तों हम आज आए हैं श्री दिगंबर अल्पाहार कॉर्नर में, जो मकरपुरा जीआईडीसी में फायर स्टेशन के 100 मीटर के अंतर पर है। और हम बात कर रहे हैं उनके ओनर दिगंबर जी से। तो दिगंबर जी, आपने ये कब स्टार्ट किया था? ये 1989 में स्टार्ट किया था। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपके वहाँ? दाल वड़ा, बटाटा वड़ा, ओके, समोसा। और क्या क्या रेट होते हैं ये सारे आइटम? 25 रुपये का 100 ग्राम है। ओके। दाल वड़ा और आलू बटाटा वड़ा। ओके, और समोसे का कैसा रहता है? समोसा 15 का जो होता है। 15 का जो। दोस्तों एक बात शायद आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मतलब मुझे ये सेंटिमेंटली बोलना नहीं है, लेकिन एक अचीवमेंट के हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिगंबर जी का विजन नहीं है, लेकिन फिर भी जो दाल वड़े का खीरा होता है, मतलब जो उसका पूरा बैटर तैयार होता है, वो खुद बनाते हैं। तो वो दिगंबर जो आप कैसे बना लेते हो इतना टेस्टी दाल वड़े का बैटर? सिंपल है, दाल पीस लेते हैं। ओके। इसके बाद उसके अंदर नमक है, अच्छा, थोड़ा ग्रीन मसाला जो होता है वो डाल देते हैं। ओके। और बराबर हिलाते हैं। ओके। लेकिन आपको उसका अंदाज कैसे आता है कि ये चीज इतनी डालनी? हाथ पर ही सब, हाथ के हाथ में वो फील आ जाता है कि ये चीज इतनी डालनी है। तो दोस्तों इसके साथ वो पिछले 13-14 साल से ये दाल वड़े बेच रहे, और जहाँ तक आप जीआईडीसी में किसी भी कर्मचारी से पूछ लोगे, कोई भी कंपनी में जॉब करता हो, अगर इनके दाल वड़े की टेस्ट में कभी भी डिफरेंस लगा हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी हम बात करते हैं उनके सन से भी, जो सरप्राइजिंगली खुद एक एमबीए है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक अच्छी बात बताना चाहूँगा। उन्होंने एमबीए किया, पढ़ाई की इतनी हाई, जॉब भी की, लेकिन अल्टीमेटली वो आज उनके फादर को उनके जो बिजनेस है इतने साल से उसमें हेल्प कर रहे हैं। एमबीए से पहले मैं जब स्कूल्स में था, स्कूलिंग चल रहा था, तब मैं फादर को हेल्प करने के लिए आता था। उनको हेल्प करते करते सोचा कि खुद का बिजनेस है, वी शुड ग्रो इट। कुछ और सोचे समझे बिना कि भाई लोग बोलेंगे आपने इतना पढ़ाई किया और आप ये कर रहे हो। काम मायने रखता है, आप कहाँ पे कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, वो मायने नहीं करता। आप कितने मन से कर रहे हो, आप अच्छा काम करोगे, अच्छी चीज़ बनाने वाले, तो आपको लोग ढूंढते हुए आएंगे। तो हर्षद जी, बहुत आपका शुक्रिया कि आज हम यहाँ पर आए और आप दोनों से बात हुई हमारी, क्योंकि हम पहले जीआईडीसी में जॉब कर चुके हैं, हम इनके दाल वड़े खा चुके हैं,
और उसकी वजह से ही हम आज यहाँ पर आए हैं इतने सालों के बाद। सो दोस्तों आज इनके दाल वड़े टेस्ट करते हैं, और टेस्ट तो अच्छा है ही, लेकिन आप तक ये पहुँचे और आप यहाँ पर आके टेस्ट करके हमें फीडबैक दो, उनको फीडबैक दो कि दाल वड़े कितने अच्छे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी प्लेट लग चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये दाल वड़ा है, ये देखिए इसका टेक्सचर और कितना बड़ा है, साइज़ तो देखिए आप ज़रा, ये उसका टेक्सचर है, बहुत ही बढ़िया है। हम लोग यहाँ पे पहले भी खा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे नए तरीके से टेस्ट करने आए, यहाँ पे पहले ऑलरेडी हमने खाया हुआ है। और उसके साथ में ये बटाटा वड़ा भी है जो उन्होंने गरम गरम, आप देख सकते हो इसका टेक्सचर देखिए बटाटा वड़े का, बहुत ही बढ़िया है खाने में। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो नॉर्मली आप अगर गुजरात में आ जाओ तो यहाँ पे चटनी में आपको दाल वड़ा है या उसके साथ मिर्च मिलेगी, और ये बेसन की कढ़ी मिलती है, यहाँ पे बेसन की चटनी ये पर्टिकुलर ये, लेकिन यहाँ पे आपको एक अलग से चटनी दिखाई दे रही है, वो है लहसुन की चटनी जो और चार चांद लगा देती है आपको खाने में। तो दोस्तों चलिए मैं दाल वड़े से ट्राई करता हूँ, मैं खाने के लिए मैं पहले एक सादा खा के देखता हूँ। बहुत बढ़िया, अभी मैं थोड़ा ये उनका लहसुन का चटनी है उसके साथ मैं टेस्ट करके देखता हूँ। तो उसमें देखिए आप, बहुत बढ़िया, बहुत ही ये मिर्च के साथ, ये देख लीजिए आलू वड़ा, इसको भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी गर्म है, और जो गर्म खाने की मज़ा है वो कोई अलग ही है। थोड़ा सा बारिश होने को मांगता था, अगर बारिश होती यहाँ पे तो और मज़ा आ जाता खाने में। तो ओवरऑल तो मैं इसको बहुत बढ़िया बोलूँगा, ज़रूर आइए यहाँ पे टेस्ट कीजिए, हमें कमेंट कीजिए कि आपको यहाँ के दाल वड़े और भजिया आपको पसंद है कि नहीं। हमारा चैनल का नाम तो आपको पता ही है, गुज्जू चटाको, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।